राज्य की 14वीं विधानसभा के दूसरे सत्र के पहले दिन विधायक निधि को रोकने पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। विपक्ष द्वारा सदन से वॉकआउट किए जाने पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जयराम सरकार ने बिना बजट प्रावधान व स्टाफ के 920 संस्थान खोल दिए। सरकार ने विधायक निधि बंद नहीं की बल्कि रोकी है। वे इसीलिए रोकी है कि छठा वेतन आयोग लागू कर दिया लेकिन पैसे का प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की करोड़ों की देनदारियां भाजपा सरकार छोड़कर गई है, सबको मिलाकर 86,000 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। प्रदेश को उन्नति पर ले जाने व दिशा देने के लिए व्यवस्था परिवर्तन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है। विपक्ष वॉकआउट करके न्यूज में बना रहना चाहते हैं, जनता से जुड़े मसलों पर प्रस्ताव लाते, प्रदेश के विकास के क्षेत्र में प्रस्ताव लाते, किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास में प्रस्ताव लाते, काम रोको प्रस्ताव जो नियम 67 का सबसे बड़ा हथियार है वो विधायक निधि को लेकर आए। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक निधि विधायकों से जुड़ी हुई है और जो काम रोको प्रस्ताव होता है वो प्रदेश के विकास, प्रदेश में कहीं मानहानि हुई हो, प्रदेश में कभी कोई ऐसी बाढ़ आ गई हो, आपदा आ गई होगी हो, कोई बड़ी घटना होगी हो, उस दृष्टिकोण से लाया जाता है। विधायक निधि के संबंध में प्रस्ताव लाए। अब आर्थिक बदहाली से जो प्रदेश गुजर रहा है और हम व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है, जिसकी झलक आपको आज देखने को भी मिली। मैं बार बार कह रहा हूँ प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, विकास को नई दिशा देंगे, हम अपने आय के स्रोत कैसे बढ़ाए उसको नई दिशा देंगे और दिन रात मेहनत करके हिमाचल प्रदेश की जनता में हम अपनी सरकार के जो वचनबद्धता है, कटिबद्धता है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। मुझे उनका वॉकआउट करना उचित नहीं लगा। ये छोटा सा ये विधायक निधि 68 MLO से जुड़ी थी जिसको एक बंद कमरे में किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए करें। राजनीतिक लाभ किस चीज़ का? आप जनता की जुड़ी समस्याओं से लाते तो मैं कहता कि आपका काम हम ये काम करते। और इस दृष्टि से आज बड़ा ये जो बीजेपी ने वॉकआउट किया उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा भी विचार करना चाहिए।